बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है भी ऐसे होंगे। तो आज एक ज़बरदस्त टूल लेके हाजिर हूँ, एंड्रॉयड यूटिलिटी V109। तो लेटेस्ट अपडेट लंच हो चुका है, तो मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ शेयर करूं। डिस्क्रिप्शन में आपको इसी टूल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाके डाउनलोड कीजिए और 7zip के थ्रू एक्सट्रैक्ट कीजिए। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको एक फोल्डर मिल जाएगा, फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन कीजिए। तो बड़ा अपडेट दिया हुआ AMD के मीठा यूटिलिटी टीम की तरफ से, वीवो, ओप्पो, शोमी, सैमसंग के जितनी भी डिवाइस है, आप एक क्लिक पर उसका FRP रिमूव कर सकते हैं, फैक्ट्री रिसेट कर सकते हैं, हवावे के फ़ोन को प्रेस भी कर सकते हैं। तो ये आप के सामने बड़ा अपडेट दिया हुआ है। तकरीबन एक्सट्रैकिंग के बाद तकरीबन 700-800 MB तक का ये फोल्डर बनता है। तो बड़ा डेटा कलेक्ट किया है AMD के मीटा यूटिलिटी टीम की तरफ से। तो इसको रन एडमिनिस्ट्रेटर के थ्रू रन कीजिए तो आपका टूल ओपन हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं बेहतरीन अपडेट दिया हुआ है। सैमसंग के जितनी भी फ़ोन है इसके लिए आपको *#0*# की ज़रूरत नहीं होगी। आप MTP मोड में अपने फ़ोन को कनेक्ट कीजिए और एक क्लिक पर इसका FRP बाईपास कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें आप ओपन जो है ना ब्राउज़ को भी ओपन कर सकते हैं। बिल्कुल 100% वर्किंग टूल है। इसमें वीवो Y15, Y30, वीवो ओप्पो के जितनी भी फ़ोन है, आप मीठा मोड के थ्रू इसको फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। इसमें आप कोई भी फ़ोन का आध बाईपास कर सकते हैं इस फ़ोन की मदद से। इसमें आप MI के क्वालकॉम फ़ोन को भी प्लेस कर सकते हैं। आप हवावे के फ़ोन के जो हाई सिलिकॉन के चिप्स होते हैं उसको भी आसानी के साथ फ्लैश कर सकते हैं फास्ट बूट मोड में। तो ये आप देख सकते हैं बहुत से फ्यूचर ऐड किए गए हैं। ओप्पो के OFP फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, Realme के फाइल को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हवावे के अपडेट ऐप को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ज़बरदस्त टूल लॉन्च हो चुका है। ये आप देख सकते हैं सैमसंग के बहुत से मॉडलों को ऐड किया गया है। MTP मोड में आप इसका FRP रिमूव कर सकते हैं, इसको डाउनलोड मोड में ले जा सकते हैं और इसे सॉफ्ट ब्रेक भी पिक्स कर सकते हैं इसका। ये आप देख सकते हैं सैमसंग के बहुत से मॉडलों को ऐड किया गया है। MTP मोड में इसको आप डेड बूट भी रिपेयर कर सकते हैं। इसमें सैमसंग के स्पेक्ट्रम के फ़ोन का FRP भी बाईपास कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं प्रेशर भी दिया गया है। इसमें आप क्वालकॉम के भी कुछ सपोर्ट दिया गया है। तो ज़बरदस्त अपडेट दिया हुआ है MT के मीटा यूटिलिटी टीम की तरफ से। ये आप देख सकते हैं इसमें आप फ्लैशिंग भी कर सकते हैं, आपने जो भी फ़ोन है इसको आसानी के साथ पिश भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं क्वालकॉम के MI अकाउंट को पिच कर सकते हैं। ये प्रेशर है, ये हवावे के लिए है। सर्विस में आप हवावे को नॉर्मल टू अपग्रेड कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं किरना 710, 730, 690 मॉडलों को ऐड किया गया है। तो वीडियो अच्छी लगी थी, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप मिल सके और अच्छी सी कमेंट भी करें ताकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो बेहतरीन टूल है ये, जितनी भी टूल लंच हो चुके हैं ये बेहतरीन अपडेट दिया हुआ है MT के मीटा यूटिलिटी टीम की तरफ से। तो आप प्री में यूज़ कीजिए और अपने फ़ोन को प्री में अनलॉक कीजिए। तो वीडियो देखने का शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफिज़।